अस्सलाम वालेकुम। वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद। आज हम बात करना चाहते हैं स्ट्रेस के बारे में। टेंशन स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में आप जानते हैं, आजकल लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, कोरोना वायरस हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसके मरीज जो है हो चुके हैं। तकरीबन 1,70,000 मरीज आज पॉजिटिव हैं हिंदुस्तान में। और ये कहा है IMA के जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है कि ये जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में। इसकी वजह से लोग लॉकडाउन में हैं, बहुत सारी जगहों पर हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ मौजूद है, बड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही हैं हम लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं आजकल इस दौर में, इस कोरोना वायरस के या COVID-19 के दौर में, तो बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, बहुत सारी तरह की परेशानियां होती हैं। आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस या तनाव होना जो है वो सामान्य बात होती है। ये तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। टेंशन होने पर एड्रेनलिन हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है, और मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पसीना बहुत आता है, सनसनी महसूस होती है, और कई बार पूरे शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं। आप देख, आप ये सब चीज़ें जानते हैं, आप ये सब चीज़ें महसूस भी करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी बात इस मौजू पर करना चाहते हैं। हर रोज़ हम सभी अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं संभाल पाते हैं, तो कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। हम में से कई लोग कुछ किस्म के तनावों को झेलते हुए इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं हो पाता कि ऐसे तनाव को ई यू स्ट्रेस कहा जाता है। अगर देखा जाए तो ये तनाव आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की क्षमता पर नेगेटिव असर डालता है। अगर तनाव लंबे वक्त तक रहता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे दिल को, हृदय को, हार्ट को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। आप सब जानते हैं कि तनाव उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में करो या मरो की स्थिति में जाना पड़े। क्या इस स्थिति से निपटने के लिए, क्या इस सिचुएशन से निपटने का कोई आसान और स्वस्थ तरीका हो सकता है? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये पता करें कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसके कारण क्या है, तो हम मुश्किलों से और अधिक अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। आज के दौर में बहुत सारी परेशानियां हमें ज़्यादा हैं। ज़्यादा तनाव या टेंशन लेने से हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे दिल को नुकसान पहुंचता है, जैसा हमने अभी बताया। बहुत सारी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है, सेक्सुअल लाइफ जो है हमारी वो ख़राब हो सकती है। अब ये एक मसला आता है कि टेंशन क्यों होती है। आजकल होने वाले तनाव के कुछ सामान्य कारण जो है, सामान्य वजूहात जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे काम नहीं है लोगों के पास आजकल के हालात में, ख़ासतौर से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, अलगाव और कुछ अन्य कारण जैसे घर छोड़ना वगैरह, पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है किसी किसी का, नौकरी में चेंजेस आ जाते हैं, बच्चों का घर छोड़ना, हमारी हेल्थ और हमारा मूड, हम मौसम की वजह से भी परेशानी होती है, किसी के पार्टनर का निधन हो जाए या वो उसके करीब ना हो, तलाक के कारण परिवार टूट जाए, सेक्स और सेक्स से जुड़ी समस्याएं, नशाखोरी और ड्रिंक करना, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा करना या बुरे व्यवहार का शिकार होना, या खुद ही हमें बहुत से लोग हिंसा करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो तनाव की वजह होती है, टेंशन की, स्ट्रेस की वजूहत होती है, उसके कारण होते हैं। आजकल जैसे लोगों के पास बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, करोड़ों लोगों की, बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी है उनके पास। अब ये जो हमारी परेशानियां हैं, इनको दूर करने के क्या कारण हो सकते हैं, दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं, दूर करने के क्या उपाय हम कर सकते हैं? सबसे पहले हंसी, लाफ। जब आपका काम पूरा हो जाए तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा ब्रेकअप लेकर आराम कर लें, और उस समय में हंसने की कोशिश ज़रूर करें और हंसते रहें। हंसना जो है एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है,
और तनाव दूर करने का एक बहुत अच्छा कारण भी है। दूसरी चीज़, नींद आनी चाहिए पर्याप्त, जो एक्यूरेट एक हमारी जो 6 से 7 घंटे की नींद होती है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। ये सब आप सब जानते हैं, यूनानी में भी ये सब बताया गया है। यूनानी तरीका इलाज में 6 एसेंशियल फैक्टर्स बताए गए हैं, जिनमें एक चीज़ जो है वो नींद है, कि नींद पूरी तरीके से आप सोएं सुकून के साथ। साउंड स्लीप आपको आनी चाहिए 6 से 7 घंटे के लिए। अगर नींद पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से कभी कभी गंभीर समस्या हो सकती है। इसका कारण जो है, इसका असर जो है, सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि पूरी नींद ना होने से आपकी चिंता और तनाव भी बढ़ जाता है, और कभी कभी तो इससे कष्टदायक समस्या भी हो सकती है और चक्कर भी आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपको चिंता हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका दिन जो है वो अच्छा होगा, चिंता मुक्त हो जाएगा। दिमाग को अस्त व्यस्त ना करना, दिमाग में ज़्यादा सोचें आप ना लाएं, ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा सोचना जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है और उसकी वजह से उल्टे सीधे ख्यालात आपके जहन में आते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा टेंशन होती है। शारीरिक अस्त व्यस्तता या मानसिक अस्त व्यस्तता, दिमाग में एकदम बहुत सारे काम होने से आराम करना मुश्किल हो जाता है और आप लगातार कभी ना ख़त्म होने वाले काम करते रहते हैं। इसलिए कामों को बांटकर उन्हें पर्याप्त समय देने की कोशिश करें और हर काम होने के बाद थोड़ा सा आराम जरूर करें। इससे आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके दिमाग दोनों ही चिंता मुक्त रहेंगे। ऐसा करने से आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और चिंता की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। शांत रहें, पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, सुकून से रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरी तरह से चिंता से ग्रसित हो तब शांत ही रहने की कोशिश करें, मतलब ना ही किसी फ़ोन का उपयोग करें, ना ईमेल करें, ना टीवी देखें, ना न्यूज़ देखें और ना कुछ भी ना करें। लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना दीजिए कि आप चिंता में नहीं हैं और आप फ्री भी हैं, क्योंकि अभ्यास से ये पता चला है कि शोरगुल से आपकी चिंता का स्तर और भी बढ़ जाता है। इसलिए दैनिक जीवन में काम करने के साथ साथ कुछ समय शांत रहने की भी आवश्यकता होती है, सुकून से रहने की भी ज़रूरत होती है। जो लोग जिस धर्म में बिलीव करते हैं उस धर्म की शिक्षाओं का भी पालन करना चाहिए, नमाज पढ़ें, पूजा करें। जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के की जो कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, हर धर्म में ज़्यादातर अच्छी बातें होती हैं, उनको मानना ज़रूर चाहिए। इसके बाद एक चीज़ आती है, सही और अच्छा खाना खाएं। आपकी डाइट जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत अच्छा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए आपको। जिस तरह से भी आपके हालात हैं, जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप अच्छे से अच्छा खाना खाने की कोशिश करें। फ्रूट ज़रूर लें, अच्छी सब्जियों का सेवन करें, दूध पिएं, कुछ इम्यूनो बूस्टर चीज़ें भी खाएं। इस दौर में ख़ासतौर से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें। चिंता सीधे हमारे शरीर पर प्रहार करती है, हमारी भूख कम हो जाती है और हम लगातार किसी खाद्य पदार्थ की लालसा करते रहते हैं। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जैसे विटामिन बी और ओमेगा 3 या इससे युक्त खाद्य पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की ज़रूरत होती है। अभ्यास से ये भी पता चलता है कि विटामिन की कमी जो होती है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, और ओमेगा 3 ऐसे आपकी चिंता भी दूर होती है। अब जबकि कार्बोहाइड्रेट से आपका शरीर शांत और स्वस्थ रहता है, और अभ्यास से यही पता चलता है कि शक्कर युक्त खाद्य पदार्थ खाने से आपकी चिंता और आपका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। खेलने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, टहलने की कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चिंता के समय आप अपनी कई पालतू जानवरों के साथ समय बिता सकते हैं या उनके साथ खेल भी सकते हैं। जब तक ऑफिस से हमें भोजन की छुट्टी नहीं मिलती तब तक आपको खुद की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। इसके लिए आपको अपने किसी दोस्त के पालतू जानवरों से भी के साथ भी टहल सकते हैं और किसी नवजात शिशु के साथ आप घर पर खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी कोई फिल्म देख सकते हैं, या सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि आप अपने खुदा की इबादत करें, जिसको भी आप मानते हैं, जिस मज़हब के आप पैरोकार हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ें, जिक्र करें, और दूसरी बात अगर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो मंदिर में जाएं, जो भी आपका तरीका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। योगा भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप योग भी कर सकते हैं। योग में जितने आसन होते हैं वो ये भी बताया गया है कि नमाज में वो सभी आसन मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वर्ड ऑफ यूनानी चैनल है हमारा। आप सब जानते हैं कि हम यूनानी से मुतालिक इलाज भी हम करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमारे इनबॉक्स में जा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।